हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार, इस टाइम जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये है कि सर, हम लोग अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो या चाहे क्लास 12th का स्टूडेंट हो। तो मैं आपको समझाता हूँ। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर, एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, बेसिकली अन अकेडमी आप लोग के लिए लेके आया है लर्निंग फेस्टिवल, जिसके अंदर आप लोगों को मिलता है 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी कोर्स के लिए। कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 8th का है, 9th का है, 10th का है, 11th का या 12th का है, ₹299 में आपको 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे हर्ष1010, तो आपको फर्दर 20% का भी डिस्काउंट मिलेगा, 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको इफेक्टिव रेट पे मिल जाएगा ₹239 में। ₹239 में आप लोगों को 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अन अकेडमी का, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग फटाफट से जाके इसको एनरोल कर लो, क्योंकि सिर्फ 30 अप्रैल तक का ही टाइम है आप लोग के पास। 30 अप्रैल के बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा, अभी ये ऑफर 30 अप्रैल तक ही वैलिड है क्लास 10th से 8 से लेके क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, गाइडेंस मिलेंगी आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए, 24x7 डाउट सोल्विंग सेशन होंगे, पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग होगी आप लोगों के लिए, काउंसलिंग होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके इसको एनरोल कर लो, हर्ष1010 इसका कोड है। बिल्कुल भी डिले मत करो, सिर्फ और सिर्फ ₹239 में मंथली रिचार्ज होता है मोबाइल का, उससे भी कम रेट में आप लोगों को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ₹239 में 45 डेज का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ₹239 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप जाके डाउनलोड कर लो और कोड यूज कर लेना हर्ष1010 प्लस में है, ठीक है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन है आप लोगों के लिए। इसके बेनिफिट्स ये हैं, आपको स्केड्यूल क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश में, हिंदी में, हर तरीके से आप लोगों को क्लास अवेल होगी। कोई भी आप लोग कहीं पे भी बैठे ये क्लास ले सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो एजुकेटर के साथ। लाइव पोल्स होंगे, क्विजेज होंगे आप लोगों के लिए, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, डिटेल रिपोर्ट होगी आप लोगों की, एनालिसिस होगा, पीडीएफ होगा, और लर्निंग मटेरियल आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल भी होगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके इसके लिए एनरोल कर लो, ₹239 में आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे हर्ष1010। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके फटाफट से इसको एनरोल कर लो। जो बच्चे एनरोल करते जाएंगे मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। देखो, बेसिकली आप लोग अपने प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस करने के लिए आपको किन बातों पे ज्यादा फोकस करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, रिजल्ट को लेके ज्यादा मत सोचो। जितना ज्यादा आप लोग रिजल्ट को लेके परेशान रहोगे ना, उतना ज्यादा आप लोग के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। आप लोग बस ये सोचो कि हम लोग अपने बेस्ट एफर्ट्स कैसे दें, हम लोग कैसे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, कैसे हम लोग ज्यादा टॉपिक्स को पढ़ें, समझें और याद करें, ये बेसिक फंडा होता है। तो रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन अभी आप लोग एग्जाम्स के लिए फोकस करो, अपने एफर्ट्स 100% दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग 100% एफर्ट ही नहीं दे रहे, आप लोग कल कल कर रहे हो कि आज नहीं मैं कल पढ़ूंगा, फिर परसों पढ़ूंगा, तो इससे प्रेशर और ज्यादा क्रिएट होता है। आप लोग अपना डे प्लान बना के चलो, ठीक है। दूसरा होता है कि नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं आने चाहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में अगर आया तो वो बहुत दिक्कत देके जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म में प्रेशर क्रिएट करता है वो। तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड या आपके रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। अपने डे को प्लान कर लो कि आप लोग सुबह क्या करोगे, दोपहर में क्या करोगे, रात में क्या करोगे, इवन हर एक घंटे का प्लान कर लो अपने डे को, कि मैं इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ूंगा। प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में आपको हेल्दी फूड ईट करना है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, कुछ भी खाने लग जाते हैं, मोमोज, पिज्जा, स्प्रिंग रोल। आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को जूस पीना चाहिए, हेल्दी फूड्स को आप लोगों को ईट करना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब तक हमारी बॉडी नहीं हेल्दी रहेगी ना, हमारा माइंड उतना तेज नहीं चल पाएगा जितना उसको चलना चाहिए। तो हेल्दी फूड ही आपको खाना चाहिए, और काम रहो, मोटिवेटेड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, किसी भी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बाद में सब चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो इतना ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।